SHM oscillations start with a periodic motion. Periodic motion जो एक ऐसी motion जो एक fixed time के बाद अपने आप को repeat करती है, is a periodic motion. Oscillatory motion का मतलब कि अगर कोई body periodically दो points के बीच में move करे, oscillatory motion. Next, harmonic motion. जिन भी motions को आप साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकें वो हार्मोनिक मोशन, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t हार्मोनिक मोशन है. जैसे ये एक पीरियोडिक मोशन है, ये एक पीरियोडिक मोशन है और ये हार्मोनिक मोशन भी है क्योंकि साइन का ग्राफ है. ये एक पीरियोडिक मोशन है और ये हार्मोनिक भी है क्योंकि ये कॉस का ग्राफ है. उसी तरीके से ये एक पीरियोडिक मोशन है और ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि इसमें साइन या कॉस का ग्राफ नहीं है. ये पीरियोडिक है पर ये हार्मोनिक नहीं है. ये पीरियोडिक है पर हार्मोनिक नहीं है. ठीक है, तो जिनमें साइन या कॉस आता है वो हार्मोनिक है. तो चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसमें साइन या कॉस आएगा. ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मोशन पीरियोडिक है? तो जिसमें भी साइन या कॉस आए वो पीरियोडिक है. तो ये साइन है, ये कॉस फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है. ये सब पीरियोडिक हैं. तो चाहे तीन फंक्शन हो, चाहे दो हो, चाहे एक हो, साइन या कॉस है तो ये पीरियोडिक है. इसके अंदर ओमेगा टी है. ओमेगा क्या होता है? 2π/T. तो अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी. अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2ω तो टाइम पीरियड क्या होगा? T/2, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. अगर फ्रिक्वेंसी डबल होगी तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी 4 times होगी तो टाइम पीरियड T/4 हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट है, लॉग ऑफ ओमेगा टी से पहले e^-ωt इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन. में साइन कॉस आता ही नहीं है. लॉग का ये भी फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, इसमें साइन कॉस आता ही नहीं है. तो पीरियोडिक मोशन कोई भी होगी, जैसे मान लो कोई बॉडी मीन पोजिशन पे है, वो एक्सट्रीम पे जाएगी, मीन पे, एक्सट्रीम पे, मीन पे, एक चक्कर पूरा हो गया, इट्स अ पीरियोडिक मोशन. अगर वो टाइम पीरियड सेम लेती है हर चक्कर का, T/4, T/4, T/4 और T/4. स्प्रिंग मास सिस्टम पीरियोडिक मोशन लेते हैं. पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक है, ये गया T/4, T/4, T/4 और T/4. तो कोई भी पीरियोडिक मोशन है उसको कंपेयर किया जाता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अपने मन में कंपेयर करना है तो फेजर डायग्राम बोलते हैं. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया जाता है, जिसमें जैसे अगर ये पेंडुलम यहाँ पर है तो सर्कुलर मोशन में बॉडी यहाँ पर है. अगर पेंडुलम एक्सट्रीम पे है तो सर्कुलर में यहाँ पे है. अगर वह यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे है, वापस आ गया तो यहाँ पे है. तो आप क्या कंपेयर करते हैं? बॉडी के डिस्प्लेसमेंट्स को वाई एक्सिस के साथ कंपेयर करते हैं. जब बॉडी यहाँ पर है तो एक्स जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है. फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे, 1, फिर डिक्रीज करते हुए 0, फिर -1 और फिर 0. तो आपने कंपेयर करना है. अगर एम्पलीट्यूड जैसे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है तो एम्पलीट्यूड 1 है. तो सर्कुलर मोशन में ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1, तो रेडियस इसमें 1 माना जाएगा. पर अगर आपकी किसी मोशन में एम्पलीट्यूड 1 की जगह a है तो आपने रेडियस को क्या लेना है? इसका a ले लेना है. नेक्स्ट है, किसी भी पीरियोडिक मोशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट को, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं y = a sin ओमेगा t. तो ये क्वेश्चन होती है SHM की, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट की, y = a sin ओमेगा t. इसके अंदर इसी क्वेश्चन का फायदा, अगर आप टाइम T = T/6 पे y निकालना चाहते हैं क्या है, तो आप टाइम को पुट करें T/6 ओमेगा 2π/T, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट y कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, नेक्स्ट है, इसमें अगर मान लो आपका पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी एंगल कवर हो गया, तो वाई क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी. पर अगर आपका पेंडुलम मीन से नहीं स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ, यानी कि मीन से ना स्टार्ट हो तो आगे से स्टार्ट हो, तो इसमें क्या लिया जाएगा? इनिशियल फेस. तो इनिशियल फेस के साथ वाई की इक्वेशन बनती है ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई. तो आपको ना याद नहीं करनी है, बस गिवन ये पता होना चाहिए कि जिन क्वेश्चन में इनिशियल फेस गिवन होते हैं इसका मतलब बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन से स्टार्ट नहीं हो रही, और जिनमें फाइ जीरो होता है वो मीन से स्टार्ट हो रही है. इसकी रिप्रेजेंटेशन, अगर आपका कोई भी पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट हो रही है मीन से, उसकी इक्वेशन क्या ली जाएगी? y = a sin ओमेगा टी.
अगर आपका पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इक्वेशन क्या ली जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अगर यहां से यहां जा रहा है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। चार इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या बनेंगी। तो अगर मान लो इक्वेशन गिवन है 3 साइन ओमेगा टी, तो 3 क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन में 3 एम्पलीट्यूड और ये इनिशियल फेज है और पूरे का पूरा फेस है। इस इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, जैसे 3 कॉस और 4 साइन है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपने वेव ऑप्टिक्स में भी किया था, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 आएगा। इसके अंदर जैसे 3 कॉस है और 4 कॉस समथिंग है तो एम्पलीट्यूड तो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसमें पैरेलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो इसमें नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 इनटू 4 इनटू कॉस ऑफ, ये फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके एंगल में से इसके एंगल को क्या कर देना माइनस। एंगल माइनस तभी होते हैं जब दोनों या तो कॉस फंक्शन हो या दोनों साइन फंक्शन हो। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद अगर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी क्या होगी, आप एक काम करें y की वैल्यू लिखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो पहला फॉर्मूला लिखें वेलोसिटी का a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट है तो y v का फॉर्मूला क्या बनेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसको मॉडिफाई करेंगे तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो v का ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला नोट करें, आज के न्यूमेरिकल्स में इसे यूज करेंगे। ठीक है यहां तक। तो ये इक्वेशन है, v की वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t, तो इसके अंदर v अगर मैक्सिमम है तो cos थीटा की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, a ओमेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला ये याद करना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है, तीसरा फॉर्मूला ये याद करना है, तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों काम आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आपको गिवन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी जो कि सॉल्व करके इसके इक्वल आएगी, ए साइन ओमेगा टी क्या है वाई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये फॉर्मूला नोट करें, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, और ये इक्वेशन है किसकी, SHM की। अगर किसी बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स है, सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, तो यानी कि बॉडी किसमें है, इन SHM। तो इसके अंदर नेक्स्ट है ये SHM की इक्वेशन है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा 1 होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नोट करें ए ओमेगा स्क्वायर, ये नोट करें ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है जैसे सपोज आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कोई बॉडी जब मूव कर रही होगी ऐसे जब मैं उसकी पोटेंशियल चेंज हो रही होगी, तो नोट करें फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नोट करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक, टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो इन्हें ऐड करेंगे तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। ठीक, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को समझें कि अगर आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट है रादर, वो क्या होती है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैथ में साइन स्क्वायर का ग्राफ ये देखो, साइन स्क्वायर का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू ये रहा, और उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह पुट कर दें ए साइन ओमेगा टी, तो यहां से हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर का ये रहा। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन नीट में बहुत आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें। तो इसके अंदर ये डार्क वाली लाइन यू है, ये गलत बना हुआ है, और डॉटेड लाइन क्या है, के है, और टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट है। ठीक है यहां तक। तो अगर आप इसको इस
पिक्चर के पार्ट को, ये देखो इसको, इसकी फोटो खींचो छोटे से की और इसको बड़ा कर दो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो कई बार ग्राफ ऐसा भी आ जाता है, तो ग्राफ पार्ट है, ये एक्चुअल ग्राफ ऐसा है, इतने से पोर्शन को ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, एट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, वाई इज इक्वल टू ए बाई टू, वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड वॉट इज पोटेंशियल। तो वाई की जगह क्या है, ए बाई टू। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें और टोटल का फॉर्मूला लिखें, काइनेटिक का फॉर्मूला लिखें, वाई की जगह ए बाई टू पुट करें तो काइनेटिक आ गई। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक क्या होगी, काइनेटिक बाई टोटल। तो ये फ्रैक्शन काइनेटिक है तो पोटेंशियल क्या होगी, वन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एट वॉट डिस्प्लेसमेंट वाई निकालना है, एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। तो एक काम करें, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, इन्हें इक्वेट कर दें, सॉल्व करके वाई निकालने आंसर आ जाएगा। ठीक। तो आधी एनर्जी काइनेटिक, आधी एनर्जी पोटेंशियल। जैसे सपोज ये इक्वेशन एस एच एम की, इसको देखते हुए एम्पलीट्यूड बोले क्या है, तो आप अपनी इक्वेशन लिख दें। तो वेव ऑप्टिक्स में करते थे ऐसे, तो एम्पलीट्यूड क्या है 10, ओमेगा क्या है 20, इनिशियल फेज क्या है 0.5। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये करेक्शन है, ये ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियंस पर सेकेंड ऐसे। तो एस एच एम की एक्स की इक्वेशन है, कह रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल 1 है, पोजिशन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और इनिशियल वेलोसिटी पाई है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कितनी है पाई है। तो एम्पलीट्यूड निकालो और फाई निकालो। तो एक काम करो, पहले एक्स लिख लो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो पहले, फिर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जीरो पुट करो साइन फाइव बचेगा, तो वेलोसिटी कितनी है पाई गिवन है और ओमेगा भी गिवन है पाई, तो सॉल्व करके क्या आएगा ए साइन फाइव। तो ए साइन फाइव ए कॉस फाइव को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो ए आ जाएगा और डिवाइड करोगे तो फाइव आ जाएगा। तो इस तरीके से ए और फाइव कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है पेपर में, तो कई बार आया हुआ है, एस एच एम के अंदर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वाई वन वाई टू डिस्प्लेसमेंट्स है जब वेलोसिटी वी वन एंड वी टू है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, जब डिस्प्लेसमेंट वाई वन है तो वेलोसिटी वी वन है, स्क्वेयरिंग करो, जब वेलोसिटी वी टू है तो डिस्प्लेसमेंट वाई टू, इन्हें माइनस कर लो, ओमेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्या होता है 2π/T से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो इक्वेशन ये यूज करेंगे, ये याद रखना, ये बहुत आता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एस एच एम में एल्फ है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है ओमेगा स्क्वायर ए एल्फ है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा बीटा है, तो इसे और इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, सॉल्व खुद कर लेना। ठीक, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट सेम रिपीट, कुछ नहीं करना है इसमें से। कुछ एनसीईआरटी की डेरिवेशंस थी, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल में मूव करे चाहे वर्टिकल में मूव करे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है 2π√m/k और ओमेगा क्या होता है √k/m, पहला रिजल्ट। तो चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है 2π√l/g। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, इसमें ये एच हाइट तक लिक्विड इक्विलिब्रियम में आपने दबा दिया और छोड़ दिया, तो एस एच एम में मूव करेगा, तो जब इक्विलिब्रियम में था तो ये हाइट क्या है h, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2π√h/g। तो इक्विलिब्रियम की जो हाइट है वो मैटर करती है इसमें, तो 2π√h/g। ऐसे अगर टनल में एक बॉडी को घेर दिया तो उसका टाइम पीरियड, वो सेंटर के अबाउट बॉल जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगी, उसका टाइम पीरियड क्या है 2π√r/g, नोट करें √r/g। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है और इसकी हाइट क्या है फ्लोटिंग में h, आपने दबा दिया और छोड़ दिया, ऊपर नीचे मूव करेगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या है 2π√h/g, या फिर दूसरा टाइम पीरियड है मतलब सेम ही इसका फॉर्मूला है दूसरा मॉडिफाइड 2π√ρl/σg, रो का मतलब बॉडी की डेंसिटी, सिग्मा का मतलब लिक्विड की डेंसिटी, एल का मतलब सिलेंडर की हाइट। तो दोनों फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है, अगर एक बॉल किसी इस सिलेंडर के नेक में फंस गई है और नीचे गैस है, पुश किया ऊपर नीचे मूव करेगी SHM में, तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ वी एम बाई बी ए स्क्वायर, वी फॉर इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस, एम फॉर जो बॉल का मास है, बी फॉर बल्क मॉडुलस, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कम यूज होता है ये, यूज नहीं होता वैसे, लिख लो, यूज नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल्स हैं SHM के, एग्जाम्पल बेसिक हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम या फिर टाइम सिंपल पेंडुलम, इसके ऊपर ज़्यादा आते हैं NCERT की प्रॉब्लम्स। मैं सिर्फ दो चार पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ जो आए हुए हैं पेपर में। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, एक नहीं है, 2 सेकेंड है। या अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि वॉट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स अ सेकेंड, तो इसका मतलब ये सेकेंड्स पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकेंड है। तो सेकेंड्स पेंडुलम 2 सेकेंड का है, ये याद रखना है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी दो स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड हैं तो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? वर्क एनर्जी पर हमने किया हुआ है पैरेलल के अंदर के प्लस के टू के, सीरीज में एक के बाद एक, तो 1/k' = 1/k + 1/k, यानी 1/k1 + 1/k2। तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय 2k। इसका क्या बनेगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के बाय 2। जब दो स्प्रिंग के बीच में एक मास हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये, तो k और k पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा इसमें? 2k। ये बहुत आता है डायग्राम आखिरी वाला, ठीक। तो ये स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। तो बताओ ये दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। दो स्प्रिंग के बीच में मास है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम प्रूफ नहीं कर रहे, बस सीधा याद कर लो पैरेलल है। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज, ठीक, सीरीज। नेक्स्ट है एंगुलर SHM। तो दो टाइप के SHM है, एक लीनियर SHM और एक एंगुलर SHM। लीनियर SHM हम कर रहे थे अभी, उसकी इक्वेशन क्या होती है SHM की? a is minus omega square y, और इसमें क्या ढूंढी जाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। एंगुलर SHM में ढूंढी जाती है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो a की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? अल्फा, और y की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये एंगुलर SHM की इक्वेशन है। जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास एक पेंडुलम है, इसका वेट mg है, आपने थीटा एंगल उसको घुमाया, तो ये l है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? l sin थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो माइनस mg इंटू l sin थीटा। तो एंगल छोटा है तो sin थीटा को क्या लिखा जाएगा? थीटा। टॉर्क क्या होता है? i टाइम्स अल्फा। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml स्क्वायर, पुट करके अल्फा आ गया। SHM की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ गया? ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या होता है? 2π बाय टाइम पीरियड से टाइम पीरियड आ गया, तो वैल्यू आ गई, राइट। प्रूफ नहीं करना, जैसे बता रहा हूँ कि कैसे एंगुलर SHM यूज होते हैं। इसमें जो ये वाला एग्जांपल है, फिजिकल पेंडुलम ही आता है, फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फिजिकल पेंडुलम क्या है, अगर आप एक पॉइंट मास को रस्सी से बांध दें और पॉइंट को मूव करवाएं तो सिंपल पेंडुलम है, ठीक, वो सिंपल पेंडुलम है। अगर आप इसमें ऐसा करें जैसे फोटो फ्रेम है या कोई डिस्क है या कोई भी एक बॉडी है जिसको आपने यहाँ नेल से नेल लगा दिया और उसको टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं, रॉड है, रिंग है, कुछ भी, तो ये क्या होगा? इसमें फिजिकल पेंडुलम है। तो फिजिकल पेंडुलम में ये नेल है, ये नेल लगाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सेंटर ऑफ मास है। तो मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है? डी। आपने इसको रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका वेट कितना है? एम जी। तो जब आपने इसको रोटेट किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एल साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? माइनस एम जी साइन थीटा इंटू माइनस सॉरी
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू एल साइन थीटा। तो ये क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रिस्टोरिंग आई टाइम्स एल्फा। तो यहां से एल्फा आ गया, कंपेयर करके एस एच एम की इक्वेशन से ओमेगा आ गया। आपने प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला नोट करें, अंडर रूट ऑफ एम जी डी बाई आई, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि आप एक ना रिंग है, रिंग को नेल के ऊपर टांग दिया और टू एंड फ्रो मूव करवाया, तो फिजिकल पेंडुलम में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये नेल है, ओ पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास इनके बीच में डिस्टेंस कितना है आर, तो आप डी की जगह क्या पुट करेंगे, आर। और ये मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एम आर स्क्वायर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, टू एम आर स्क्वायर आंसर। जैसे एक रॉड है, रॉड को या एक्सिस मान के रोटेट किया, तो ओ और सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस क्या है, एल बाई टू, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टेंजेंट एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो इस तरीके से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई एस एच एम है जिसमें मैंने एफ वन फोर्स लगाई तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन आई, फिर मैंने एफ टू लगाई तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू आई, फिर मैंने इकट्ठी एफ वन प्लस एफ टू लगाई तो ओमेगा क्या आएगा, ये बताओ। रिजल्ट याद करो, बॉक्स में डालो, ये रिजल्ट है ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर। ये बॉक्स में डालो, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर। और इस रिजल्ट को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है तो ये भी बॉक्स में डालो, वन बाय टी स्क्वायर इज वन बाय टी वन स्क्वायर प्लस वन बाय टी टू स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो जैसे एफ वन फोर्स लगाई तो टाइम पीरियड टू सेकेंड है, एफ टू लगाई तो टाइम पीरियड थ्री सेकेंड है, तो एफ वन प्लस एफ टू लगाई तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ टू और थ्री पुट करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये सीरीज का केस हमने कर लिया, पैरल का कर लिया, पैरल का कर लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। वो क्या करेगा, एक स्प्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग दे देगा, इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसका यंग मॉडुलस देगा, कहेगा टाइम पीरियड निकाल लो। अब देखो ना, या तो दोनों वाई हों या दोनों के हों, वैसे दोनों के हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दो सीरीज अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, वाई को के में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी में भी किया था, यंग्स का फॉर्मूला लिख लें। इस फॉर्मूले में फोर्स अपॉन एक्सपेंशन क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के निकाल लें। तो आपको एक फॉर्मूला पता लग गया यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में के कैसे निकलेगा। अब सोचें, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है के और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट ये रहा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो लगाएं पैरेलल का फॉर्मूला और टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई रूट एम बाय इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहले वाई को के में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मान लो एक पेंडुलम यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगाता है, टी बाय फोर, एम्पलीट्यूड में जाने में टी बाय फोर। पर क्वेश्चन पूछ लिया कि y बाई टू ए बाई टू में कितना टाइम लगाएगा, तो कई लोग कहेंगे t बाई फोर का आधा, t बाई एट, नहीं, शॉर्टकट सिर्फ t बाई फोर तक चलता है। अगर आपको इसके अंदर के टाइम निकालने हैं तो आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और y की जगह क्या पुट करेंगे, a बाई टू, सॉल्व करके क्या आएगा, साइन थीटा हाफ, तो ओमेगा टी क्या आएगा, पाई बाई सिक्स, ओमेगा क्या होगा, टू पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कर लिया हमने, सेम क्वेश्चन है। अगर एक स्प्रिंग और दो मास हैं, फॉर्मूला नोट कर लें, अगर एक स्प्रिंग और दो मास हैं तो उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट म्यू बाई के, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास ऑफ अ सिस्टम, जिसका फॉर्मूला एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू। तो आज के बाद अगर स्प्रिंग और दो मासेज हैं तो पहले आप म्यू निकालेंगे, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी, फॉर्मूला आएगी। ठीक है, यहाँ था तो ये फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये तीन स्प्रिंग्स हैं, पहला दूसरा और तीसरा इक्विलिब्रियम में है, तो ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास है, रेस्ट पे है, तो आपने क्या किया, पॉइंट मास को नीचे धक्का मार दिया वाई,
डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये सिस्टम SHM में इसका टाइम पीरियड निकालो। तो जब आपने इसको Y नीचे कंप्रेस किया, साइड के दो स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएंगे, पर जो साइड के दो स्प्रिंग एक्सपैंड होंगे वो वाई डिस्टेंस से एक्सपैंड नहीं होंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी पड़ेगी, एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर ये वाई है तो आप इसके कंपोनेंट्स लेंगे, तो ये स्प्रिंग यहाँ खुल जाएगा, इतना खुलेगा कितना, वाई कॉस 45। ऐसी साइड वाला स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा, वाई कॉस 45। तो यानी कि इस स्प्रिंग के अंदर, इस स्प्रिंग में अगर एक्सपेंशन वाई है तो इसके अंदर एक्सपेंशन कितनी है, वाई कॉस 45। तो ये फोर्स आ जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर भी क्या है, वाई इंटू कॉस ऑफ 45। तो फोर्सेस की वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है, तो ये टर्म आ गई इसमें। अब एक काम करेंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक cos 45 एक sin 45 यहां पर बनेगा, और ऐसे इस फोर्स मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है, एक cos और एक sin, sin sin क्या हो गया, कैंसल। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऊपर, ये भी ऊपर और ये दोनों भी ऊपर 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 ऊपर। तो आपके पास क्या आएगा, वाई एक्सिस में ये फोर्स आएगी, तो आप फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, के वाई, और हमने वाई निकाल रखा है दोनों केस में। तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करके एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन, तो ये SHM की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ओमेगा एंड टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है पेपर में, जिसमें एक मास है एम वन और इसके ऊपर एक और मास है एम टू और स्प्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है। एम वन एम टू के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, टू एंड फ्रो सिस्टम मूव कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो कि एम वन एंड एम टू दोनों आपस में सेपरेट ना हो, चिपके रहे, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। रूल नंबर वन, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। मीन पोजीशन पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है इसमें, जीरो। कोई भी पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम जब मीन पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो यानी कि क्या होगी, मैक्सिमम। तो याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और मीन पे जीरो होती है, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे जीरो होती है, उल्टा हो जाता है। तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो आप ये सोचें, जब ये पूरा सिस्टम यहां पे आएगा एक्सट्रीम के ऊपर आएगा और वापस जाने की कोशिश करेगा विद ए मैक्स, एम वन जब वापस जाएगा तो एम टू के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एम टू इंटू ए मैक्स। तो इसका गिरने का चांस कहां पर है, एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे मैक्सिमम सूडो फोर्स लगने वाली है। तो हम अपनी प्रॉब्लम मीन पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सट्रीम पे सॉल्व करने के लिए डायग्राम मैंने एक्सट्रीम पे बना दिया, ये रहा M2 का, M2 के नीचे M1 भी ऑब्वियसली। तो M2 जब वापस जा रहा है विद एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर सूडो क्या लगेगी, मैक्सिमम। तो इसको बाहर गिरने की कोशिश करेगी, पर कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो अगर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सूडो फोर्स से बड़ी हो जाती है तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक। तो पहला पॉइंट इसमें एक्सट्रीम पे लगेगा, एक्सट्रीम पे सूडो फोर्स कैलकुलेट होगी, एक्सट्रीम पे फ्रिक्शन कैलकुलेट होगी, फ्रिक्शन सूडो फोर्स से बड़ी होगी, बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है यहां तक?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैन खड़ा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है, एक्सट्रीम पे क्या होगा, मीन पे क्या होगा। तो जब एक्सट्रीम पे होगा तो प्लेटफॉर्म की एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगी नीचे की तरफ, तो सूडो फोर्स मैन पे ऊपर लगेगी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन वन प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। लोअर एक्सट्रीम पे प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, एम जी भी कहाँ है, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो क्या होगा, एन टू इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो एन टू कैन बी कैलकुलेटेड, तो एन वन भी आ गया और एन टू भी आ गया। नेक्स्ट है, तो जैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, दो एस एच एम की डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, पर आपको फेज डिफरेंस किस में निकालना है, दोनों की वेलोसिटीज में, पर वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है। तो पहला रूल, वाई वन को डिफरेंशिएट करके वी वन, और ऐसे वाई टू को डिफरेंशिएट करके वी टू। वी वन कॉस में बन रहा है, वी टू माइनस साइन में बन रहा है, तो मैथ्स के लोग क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसके एंगल में से इसके एंगल को माइनस कर सके, फेज डिफरेंस निकाल सके। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो,
तो मास एम एस एच एम के अंदर मूव कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है अल्फा एक्स की पावर 4, और आपको ये गिवन है पोटेंशियल इज 1/3 टाइम्स काइनेटिक, तो आपको ये बताना है एक्स क्या होगा। देखो पोटेंशियल तो उसने दे दी, अब अगर मैं इस पोटेंशियल में एक्स को ए पुट करता हूँ, एक्स को ए पुट करता हूँ, तो आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल आएगी जिसको टोटल बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल आ गई, टोटल में से पोटेंशियल माइनस करके काइनेटिक आ गई। तो आपको काइनेटिक पता है, पोटेंशियल पता है, वहां वैल्यू पुट कर दो पोटेंशियल काइनेटिक की जगह, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एक्स का, आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, इस क्वेश्चन को पढ़ ले। इसके अंदर तो आपके पास एक मास है m और एक स्प्रिंग है, ये रहा टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, मीन को क्रॉस करता है, तो इसके ऊपर हम छोटे m को रख देते हैं। तो जब ये अकेला था तो एम्पलीट्यूड a था, जब एक और मास रख दिया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना आपकी स्टार्टिंग ऐसे होगी, m1 v1 is m2 v2, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स है, तो मास m की वेलोसिटी मैक्स है, और जब दोनों मासेस इकट्ठे हैं तो भी वेलोसिटी मैक्स है। फर्क क्या है, v max क्या होता है, a omega, अब नया क्या हो जाएगा, a dash omega dash, omega पहले क्या था under root of k by m, और अब क्या है under root of k by m plus m, तो omega और omega dash put करके squaring करके a dash can be calculated, important question, start m1 v1 m2 v2 सही होगा। अब कई questions specially mains में damping के साथ पूछ लिए जाते हैं, हम ये मानते हैं कि आपके जो एस एच एम है उसमें एनर्जी लॉस नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली एक पेंडुलम जब जाता है फिर स्लो होता होता रुक जाता है, तो अगर ये रुक जाता है तो उसको डैम्पिंग बोलते हैं, एनर्जी लॉस बोलते हैं, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से। बिना डैम्पिंग के ये एस एच एम की इक्वेशन है, और ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी की एस एच एम की, लेकिन डैम्पिंग के साथ एक एयर की रेजिस्टेंस की फोर्स लगती है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी की वेलोसिटी होती है। बी को डी के कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, बी को एयर की रेजिस्टेंस का कॉन्स्टेंट या डी के कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, माइनस बी इंटू वी। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन माइनस के एक्स माइनस बी वी, एस एच एम की इक्वेशन हो जाएगी। तो एस एच एम की इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो एक्स का ये सोल्यूशन निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होगी विद डैम्पिंग। तो आपने क्या याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, तो पहला फॉर्मूला ये याद करना है, ये नोट कर लें कि डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज होता है, ए नॉट का मतलब पहला एम्पलीट्यूड, ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, तो ये पहला फॉर्मूला याद करें डैम्पिंग के साथ, ठीक है यहाँ तक। फिर जब डैम्पिंग होगी तो फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट नहीं रहेगी, ओमेगा नॉट नेचुरल नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। वो क्या चीज चेंज होगी ये नोट करें, ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ओमेगा डैश ये होगा दूसरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का, दूसरा फॉर्मूला ओमेगा डैश का। नेक्स्ट है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब होता क्या है कि जब डैम्पिंग होगी तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, पर आप चाहते हो कि एम्पलीट्यूड बराबर रहे, तो आपको एम्पलीट्यूड सेम रखने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो पीरियोडिक फोर्स जो लगती है, तो एस एच एम की इक्वेशन क्या बनेगी, ये माइनस के एक्स माइनस बी वी, डैम्पिंग भी है और ये आपकी अप्लाइड फोर्स है। तो जब अप्लाइड फोर्स लगाओगे विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो पेंडुलम को या किसी भी बॉडी को मूव करना पड़ेगा विद ओमेगा। तो इसको सॉल्व करके ये नेक्स्ट फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ये होगा, फोर्स लगाने के बाद ये एम्पलीट्यूड होगा।
और ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नई फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होगी, ये दोनों फॉर्मूला नोट करने हैं, एम्पलीट्यूड का और नई फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मान लो डैम्पिंग नहीं है, अगर मान लो डैम्पिंग नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट, तो बी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इन्फिनिटी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्या हो गई, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाता है और सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज 1/3 इन 2 सेकंड। तो एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया 2 सेकंड में, तो एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा 6 सेकंड में। तो फॉर्मूला लिखो एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, टाइम को 2 पुट करके आंसर आ गया। फिर दूसरे केस में एम्पलीट्यूड निकालना है जब टाइम कितना है 6 को लिखो 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। अब इसकी वैल्यू ऊपर से पता है 1/3, 1/3 का क्यूब, 1/27 आंसर। क्लियर है यहां तक, तो आंसर आ गया। जैसे तीन इक्वेशंस हैं SHM की, तो पीरियोडिक मोशन की, इसका नेट एम्पलीट्यूड निकालना है। फर्स्ट पीरियोडिक मोशन 2 एम्पलीट्यूड है, दूसरा 4 है और तीसरा 6 है। तो आप इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में जो फेजर बनाते थे वैसे यूज करो। तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड 2 है ओमेगा टी, तो 4 का एम्पलीट्यूड पाई बाय 6 आगे है, 30 डिग्री आगे है, और 6 का 60 डिग्री आगे है ओमेगा टी से। तो तीन वेक्टर बन गए, 4 के कंपोनेंट्स ले लो, 4 cos 30, 4 sin 30, 6 के कंपोनेंट ले लो, 6 cos 60, 6 sin 60, ये तो वेक्टर सम से आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड का, ठीक। नॉन मेडिकल वालों के लिए स्पेशली, अगर एक स्प्रिंग के साथ मास की जगह एक रोलिंग बॉडी हो जैसे स्फेयर या डिस्क दे दे और कहे कि ये मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड निकाल लो, तो इसका कॉन्सेप्ट रिस्टोरिंग फोर्स का नहीं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो मान लो आपका स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, तो एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर और रोलिंग एनर्जी। ये स्फेयर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, तो ये आंसर आ जाएगा। टोटल एनर्जी सिस्टम की कॉन्स्टेंट होती है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगी, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt वेलोसिटी है और dv by dt एक्सेलरेशन है, v कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई, अपने आप SHM की इक्वेशन बनके ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लगेगा, ये बताना चाहता हूं, किसी इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है, तो ऑप्शन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल है, प्रूफ करो। साफ पता लग रहा है y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, मुझे a निकालना है, तो y की जगह a sin ओमेगा टी, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, y की जगह a sin ओमेगा टी, तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या है, k नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a आ जाएगा, a को a sin ओमेगा टी में पुट करके ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी SHM में इसके इक्वल होती है, क्वेश्चन है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, आपको याद है वो एसी की, अगर एवरेज एसी करंट की वैल्यू निकाल लो, तो करते तो लंबा तरीका था, इंटीग्रेशन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी की इंटीग्रेशन बाय टोटल टाइम, ये करना नहीं है, सीधा आंसर याद करोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होती है, सेम आंसर है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक 0 से कैपिटल टी टाइम पीरियड तक सेम आंसर है। इसी के अंदर एक और रिजल्ट भी याद करना है, बहुत आता है पेपर में, कि अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड, जैसे डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी होती है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टी, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, आंसर है
पी बाई टू। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैथ्स वाले समझ सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होती है। वाई की जगह ए साइन ओमेगा टी अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैथ्स वालों को पता है साइन स्क्वायर को कॉस टू ओमेगा टी में कन्वर्ट करके टू ओमेगा का मतलब टाइम पीरियड टी बाई टू हो जाएगा। इतना करना नहीं है, याद रख लो टाइम पीरियड पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या रहेगा टी बाई टू, और वैल्यू क्या रहेगी एवरेज वैल्यू इसके इक्वल रहेगी। बस ये चार चीजें याद रखो, खत्म, और कुछ नहीं करना, कोई प्रूफ आपसे पूछ नहीं रहा। ठीक, अगर एक बॉल किसी टनल में डालें तो सेंटर के अबाउट एसएचए में मूव करेगा, हमने किया था टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर बाई जी। इसका टाइम पीरियड का ये भी फॉर्मूला नोट करें ओमेगा का, एक ही बात है। जैसे ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल टी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, जी एम को लिख सकते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टाइम पीरियड वही आएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाई जी। तो ये नोट कर लें ओमेगा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर ये टनल डायमीटर के अलोंग ना होते हुए कॉर्ड के अलोंग हो टेडी ओ टनल तो भी आंसर विल रिमेन सेम। प्रूफ नहीं करना, आंसर सेम रहेगा, याद रखना है। तो डायमीटर हो या टनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को देखें,
तो देखो इसमें x की वैल्यू a sin omega t plus pi by 6, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है जब टाइम t is equal to 0 से pi by omega, pi by omega में omega क्या होता है 2 pi by t, तो t by 2. तो एक काम करते हैं इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने से पहले जब टाइम t is equal to 0 है तो इसमें टाइम को 0 पुट करके x की ये वैल्यू आ जाएगी a by 2. उसी तरीके से कैपिटल t by 2 पे टाइम को कैपिटल t by 2 पुट करके सॉल्व करके x आएगा माइनस a by 2. तो आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी बॉडी जा रही है, इसको छोड़ दो ये नहीं है, a by 2 से जा रही है कहाँ पर, माइनस a by 2 पे घूम के आ रही है ऐसे. तो एवरेज क्या निकालना है इसमें, आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी, एवरेज स्पीड की. तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है, a by 2 जाने का, a by 2 आने का, a by 2 प्लस a by 2 बाय टोटल टाइम. और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, जाना और आना तो कैंसिल, तो a by 2 और a by 2 a by टाइम पीरियड, तो ये वैल्यू आएगी राइट. तो अगेन नॉन मेडिकल वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इसमें आ भी सकता है, मेडिकल में कहीं से इतनी कैलकुलस नहीं आएगी. लेकिन तो पोटेंशियल एनर्जी आपको इस फॉर्म में अगर गिवन हो और टाइम पीरियड पूछ ले तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी से क्या ढूंढनी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा आसानी से कर लेंगे इसको, इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा. एंगल छोटे होते हैं SHM में तो साइन ऑफ सी एक्स की जगह सिंपल क्या लिखेंगे, सी एक्स. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी SHM की क्वेश्चन कंपेयर करके ओमेगा से, टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड. तो रूल वही है, तो यू से पहले एफ निकलेगा, एफ इज एम ए, एंगल साइन छोटा है तो जस्ट एंगल लिख देंगे. जैसे ये क्वेश्चन है, रॉड है, एल लेंथ की रॉड है, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो आपने इसको घुमा दिया ऐसे, तो जब घुमाया तो ऐसे ऐसे मूव करेगी, प्रूव करो SHM में है. तो जब आप इसको y ऊपर लेके गए तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ वाई के वाई नीचे है, और ये y नीचे है तो रिस्टोरिंग फोर्स के वाई ऊपर है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रहा. तो क्या होता है टॉर्क, आई अल्फा, रॉड का आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो अल्फा और थीटा यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड. क्या आंसर आ गया. अब इसके अंदर ओनली फॉर नॉन मेडिकल ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो अंदर प्रेशर पी नॉट वी नॉट है, वेट एम जी है, और एरिया ए है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर है, आपने दबा दिया, दबा के इसको छोड़ दिया, तो ये SHM में मूव करेगा, ये प्रूव करो. और जब आपने इसको दबाया कंप्रेस किया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये गिवन है. तो सबसे पहले ये रेस्ट पे है तो नीचे की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेज. तो नीचे की फोर्सेज क्या है, पी एटमोस्फेरिक इनटू एरिया, और क्या है mg, और ऊपर की फोर्स क्या है, p नॉट इनटू एरिया. तो पहली क्वेश्चन यही बनेगी, नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स बराबर, क्योंकि प्रोसेस क्या है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो p नॉट v नॉट इज इक्वल टू p इनटू v लगेगा, p नॉट v नॉट इज इक्वल टू p इनटू v. दूसरी क्वेश्चन, तीसरी, जब आप इसे x कंप्रेस कर देंगे तो गैस कंप्रेस होकर इसको ऊपर उठा के फेंकेगी, तब ऊपर की फोर्स बड़ी होगी, नीचे की छोटी होगी. इस केस में ऊपर की फोर्स है क्या, प्रेशर इनटू एरिया, और नीचे की फोर्स क्या है, mg इनटू एरिया, और यहाँ पर p एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया. तो नेट फोर्स क्या होगी, ऊपर की फोर्स pa माइनस नीचे की फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको एडजस्ट करके ये आंसर आएगा, इसकी जगह p नॉट a पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, इक्वेशन लगाओ तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस ax, V नॉट कॉमन आ गया, V नॉट से V नॉट कैंसिल, सॉल्व करके प्रेशर आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ बाइनोमियल लगाओगे तो P की वैल्यू आएगी. इस P की वैल्यू को P की जगह पुट करके सॉल्व करोगे अपने आप SHM की इक्वेशन बनेगी, कंपेयर करके ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा. देखने में लंबा है, दो तीन स्टेप्स ही हैं वैसे. अगली बार फिर क्वेश्चन आया मेंस में, इस बार प्रोसेस एडियाबेटिक दे दिया, सेम इक्वेशन यहाँ तक सेम, ये भी एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम है, बस एडियाबेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है. इसमें गामा भी आ जाएगा, तो गामा आएगा तो वॉल्यूम सेम है, बस इसमें गामा की फॉर्म में चलेगा, वन की फॉर्म में नहीं चलेगा. तो एवरीथिंग इज सेम, तो गामा रेज टू पावर माइनस वन बाइनोम में लगा के आंसर सेम गामा की फॉर्म में निकालना है. ये वैसे पुराना मेंस है, आप प्रीवियस पेपर करेंगे, पहले ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को पूछा गया है इसमें, ठीक है. तो इसके बेस पे अब हम एक काम करते हैं, आप प्लीज इसे देखें, ये लो.
पहला क्वेश्चन देखो SHM का, इजी क्वेश्चन कह रहा है ये SHM है, ये SHM देखते ही पता लग रहा है साइन की क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको देखते हुए कह रहा है कि क्या वेरिएशन ड्रॉ करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी होती है, साइन स्क्वायर अगर आप ये रहा मैथ्स में डी सही है, आसान है साइन स्क्वायर अगर आप ये होता है। नेक्स्ट, एक बॉडी अगर SHM में है तो क्या उसकी पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक है? नहीं। क्या सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी भी टाइम पे? हाँ। एवरेज पोटेंशियल एंड काइनेटिक किसी भी इंटरवल में सेम है? नहीं, जीरो से टी सेम है, हर इंटरवल में सेम नहीं है। तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट। एवरेज काइनेटिक इन वन टाइम पीरियड जीरो से टी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल, राइट। तो सी और डी राइट, डी आंसर। सी पॉइंट, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल तो कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी रहती है तो, और डी पॉइंट ओवर वन टाइम पीरियड जीरो से कैपिटल टी तो एवरेज काइनेटिक पोटेंशियल सेम है। बी में वो एवरेज वन टाइम पीरियड दे ही नहीं रहा, एनी टाइम इंटरवल बोल रहा है, कोई जीरो से टी लेगा, जीरो से टी बाई टू ले लेगा, कैसे सेम होएगी? लिमिट्स तो जीरो से टी लगती है ना एवरेज निकालते हुए। ठीक है, आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट, हमने प्रॉपर्टीज में भी किया था, लॉजिक समझो इस क्वेश्चन का, क्या लॉजिक है? लॉजिक वही है कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, पेंडुलम है, ये रहा एयर में है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जब आप इसको लिक्विड में डाल देंगे तो लिक्विड के अंदर क्या ऐड करेगा? इसका वेट, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, बॉडी की रो, तो क्या ऐड करेगा? अप थ्रस्ट। तो नया वेट क्या होगा? एम जी माइनस अप थ्रस्ट। वेट क्या होता है? वी इंटू रो, ये लो। और अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी यूज करते हैं? लिक्विड की। तो जी डैश निकालोगे तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश। इस बार वो कह रहा है लेंथ भी चेंज कर दो पेंडुलम की, पहले केस में लेंथ एल है, जैसे एल बाई फोर कर दो, तो जी डैश भी निकाल लो और एल डैश की वैल्यू भी पुट करो, टी डैश और टी को डिवाइड करो, तो आंसर निकाल लो टी डैश और टी का क्या आंसर होगा। तो याद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर भी किया था ऐसा, नहीं तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वेट में से अप थ्रस्ट माइनस करेंगे तो जी डैश चेंज हो जाएगा, किया हुआ है। इलास्टिसिटी प्रेशर का चैप्टर खोल लेना, उसके अंदर ये क्वेश्चन किया हुआ है बुकलेट में मैंने, ठीक। तो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया अभी, इसकी स्टेटमेंट अजीब है थोड़ी सी।
मास ऑफ 5 केजी इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के साथ मास 5 केजी कनेक्टेड है. पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एज शोन. पोटेंशियल एनर्जी का कर्व शो कर रहे हैं. तो स्प्रिंग और मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ के एक्स स्क्वायर 10 गिवन है, तो आपको इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर 10 गिवन है, तो आपको इसमें एक्स की वैल्यू भी 4 गिवन है, एनर्जी 10 गिवन है, यहाँ से के आ जाएगा. ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा सिर्फ के निकालने के लिए. फिर कह रहा है सिंपल पेंडुलम की लेंथ 4 मीटर है, हैज सेम टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, और स्प्रिंग मास सिस्टम का 2π√M/k, दोनों इक्वेट कर दो. कह रहा है जिस भी प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट है उसका जी निकाल दो. कंफ्यूज कर रहा है, पहले के निकाल लो, दोनों का टाइम पीरियड इक्वेट कर लो, इक्वेट करके जी निकाल दो, 9.8 की जगह 4 आ जाएगी, बात खत्म. के चाहिए था, के आपने ग्राफ से निकाल दिया. ये क्वेश्चन आज का शीट का क्वेश्चन है, सेम किया हमने. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T0 है, अगर लेंथ रिड्यूस टू 1/16 तो टाइम पीरियड क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता कोई भी. टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, एल की जगह क्या करना है, L/16, क्या सही है, T/4, ठीक है, T0/4. देखो ये क्वेश्चन बुकलेट आपके पुराने पेपर में गिवन है, आप करो ना करो आपकी मर्जी है, मेरे पे डाउट लेके आएंगे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ओनली फॉर नॉन मेडिकल, बाकी सब मेडिकल के लिए कॉमन थे. वो क्या कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है वो. स्प्रिंग मास सिस्टम में ये डिस्प्लेसमेंट है, ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी. कह रहा है सपोज टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट एक्स 0 है और वेलोसिटी वी 0 है, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया इस फंक्शन के साथ, कॉस फंक्शन के साथ, तो प्रूव करो सी किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो रूल नंबर 1, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है ये, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, आप टाइम को 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, b. आप यहाँ पर टाइम को 0 पुट करेंगे तो v क्या आएगा, a ओमेगा. तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा इसको देखते हुए, √A² + B² और tan ऑफ अल्फा डिवाइड करके आपके पास इसके इक्वल आएगा. चलो वो छोड़ो, आपको ये x गिवन है, आप इसमें √A² + B² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. ये मैथ्स के लोग, आप लोग ही काम करते ही हैं मैथ्स वाले. इसकी जगह एज्यूम करें साइन फाई है, इसकी जगह कॉस फाई है, तो एक इक्वेशन बनेगी सी इंटू, मान लो ये कॉन्स्टेंट सी है, तो सी की वैल्यू क्या, √A² + B² और क्या, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और यही फॉर्म है इक्वेशन की जो हमें गिवन है. आपको सी निकालना है, सी आ गया, बस फर्क यह है कि आपको ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन नहीं है. आपको क्या गिवन है, ए को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ए की जगह यहाँ पे पुट करेंगे वी बाई ओमेगा, और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बी की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स. तो ए की जगह वी बाई ओमेगा और बी की जगह एक्स, ये आंसर है. मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन देखते हुए आप छोड़ भी दें, बट हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पुराने पेपर करेंगे आपको ये रास्ते में मिलेगा, तो क्या करना है आपको एक जस्ट आइडिया बता रहा हूँ. बाकी ईजी है, एक आध क्वेश्चन बीच में आ जाता है ऐसा, जैसे SHM के अंदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इज काइनेटिक, किया था आज हमने. तो काइनेटिक कितनी है, कब, जब पार्टिकल कहां पर है, मिडवे. मिडवे का मतलब y क्या होता है, a/2. तो काइनेटिक निकाल लेना जब y a/2 है, तो फ्रैक्शन निकाल लेना, आज हमने शीट में किया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी काइनेटिक. ये भी क्वेश्चन ईजी है. क्या एक पार्टिकल है जिसमें टोटल एनर्जी e है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है, 3/4 टाइम्स टोटल. तो आपको क्या निकालना है, आपको y निकालना है. काइनेटिक का फॉर्मूला लिख लें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू a² - y² इज 3/4 टाइम्स टोटल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू a² सॉल्व करके y निकाल लें आंसर. तब 90% क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी के चल रहे हैं, ठीक देख रहे हो, एनर्जी वाला के सिंपल है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है और एम्पलीट्यूड भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है. वॉट विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब T/4 टाइम पीरियड है. T/4 टाइम पीरियड पे y क्या होता है, a. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू y की जगह a, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² सारे वैल्यूज पता है. आंसर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t है इनसाइड अ लिफ्ट. अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है g/2, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g'. लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो g+a, तो g+g/2 आंसर. आसान आसान, कितने आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं.
वही सेम क्वेश्चन कि आधी काइनेटिक है आधी पोटेंशियल, आज हमने शीट की प्रॉब्लम की y = + - a / √2। तो ये कुछ ऐसे, जैसे ये देखो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया था, m1 v1 is m2 v2, बहुत ही बेसिक है, आप पुराने पेपर देखोगे आप दिल खुश हो जाएगा ऐसे जम करके। ये तो मेंस है, नीट का तो इससे भी नीचे है, अब इससे नीचे क्या करोगे, एनसीईआरटी तो चल रही है, ठीक है। हाँ एक दो क्वेश्चन जरूर, जैसे ये रहा, दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, तो 2k हो जाएगा टाइम पीरियड 2π√m/2k, सही, कुछ करना ही नहीं है इसमें, m/2k आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक ये करो क्वेश्चन, ये कर लो, ये देखो, ये भी मैथ्स नॉन मेडिकल वाला, मेडिकल नहीं है भी। वाई की वैल्यू गिवन है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज a/2, और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में फाई क्या होगा। एक काम करो, आप इस इक्वेशन को लिखो, आप टाइम को 0 पुट करो तो y क्या आएगा, या पाई की जगह क्या पुट करो, a/2, तो साइन फाई नॉट क्या आएगा, हाफ। अब हाफ सुनते ही लोग कहेंगे पाई बेसिक्स आंसर है, जबकि काफ़ी आंसर हो सकते हैं इसके, तो क्योंकि ऑप्शन के अंदर काफ़ी आंसर है ना, पाई बाई सिक्स भी है, 5π/6 भी, कुछ भी हो सकता है, मैथ्स के लोग समझ सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक काम करो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, टाइम को 0 पुट करो, और टाइम को 0 पुट करो, फाई को पाई बाई सिक्स पुट करो, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी को क्या होना है, नेगेटिव, क्योंकि बॉडी कैसे मूव कर रही है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर दूसरा रूट पुट करो 5π/6, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो ये आंसर मार्क करो, तो आपको इसमें मार्क करना पड़ेगा, वेलोसिटी के साथ चेक करना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा इसमें। स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है, कितने ही क्वेश्चन आ रहे हैं पैरेलल के, सेम सेम आंसर। टनल वाला क्वेश्चन आ गया, आंसर 2π√r/g, टनल वाले क्या सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। ये भी सिंपल है, स्प्रिंग सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रिंग सीरीज में है, शीट वाला सेम, तो ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये है एक टॉर्शनल पेंडुलम बोलते हैं इसे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, टॉर्शनल पेंडुलम होता है कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है और एक रॉड है, और ये पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस को रॉड को ऐसे घुमाना, अगर ऐसे घूमती तो फिजिकल पेंडुलम है, ऐसे घूमती तो टॉर्शनल है। तो टॉर्शनल पेंडुलम में रिस्टोरिंग टॉर्क, याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया था टॉर्शनल कांस्टेंट, ये होता है टॉर्क, और टॉर्क होता क्या है, आई टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू -k(θ/I), इसको SHM की इक्वेशन के साथ इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके ये टर्म क्या आ जाएगी, ओमेगा, तो ओमेगा क्या आएगा, √k/I, ये फॉर्मूला याद करेंगे ओमेगा का, टॉर्शनल कांस्टेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होगा, m(L/2)2, ऐसे यहां पर m(L/2)2 पुट करके आंसर आएगा। बस इसमें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें इसने चलाकी ये दिखाई कि इसको सेंटर पे बांधा ही नहीं, उसने कहा कि ये मास नहीं, इसमें ये मास m है, ये मास m/2 कर दिया, तो ऐसा करने पे ये सेंटर पे नहीं बंधा हुआ, आपको ढूंढना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, तो ये अनइक्वल लेंथ आएगी, तो मोमेंट और इनर्शिया दोनों का क्या हो जाएगा, चेंज आंसर आएगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। जैसे ये रहा, ये भी क्वेश्चन मैथ्स वालों के लिए है, प्लीज थोड़ा सा कि ये ऐसे, ये एक ही क्वेश्चन है या दूसरी क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड मोशन इज इतने टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट मोशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये साइन की इक्वेशन है, ये साइन और कॉस की इक्वेशन है, तो नॉन मेडिकल के लोग इसको साइन में कन्वर्ट करें या कॉस में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब सही बन गया, इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका 10 है, 1:2, तो मैथ्स लगाना पड़ेगा आपको, सेट करनी पड़ेगी इक्वेशन। सिमिलरली इस क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आए हैं, डैम्पिंग का इजी क्वेश्चन आया है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि SHM में होगा किसके इक्वल है, डिक्रीजेस विद टाइम, मास पता है, डी के कॉन्स्टेंट छोटा बी पता है, क्या निकालना है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप द हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो ये एम्पलीट्यूड है डैम्पिंग में, एम्पलीट्यूड हाफ कर देना है, मैथ्स का क्वेश्चन है फिर से, तो आपको स्मॉल टी निकालना है, बी आपको गिवन है, आप लॉग लेके स्मॉल टी निकालोगे, ठीक है, मेडिकल में नहीं आएगा ऐसा, ठीक ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक एक आइडिया आपको क्लियर हो गया।